नमस्कार, सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा संग छथि श्री शकील अहमद ककवी जी। बेसिकली ई कतर देश में रहै छथि और ओहिठाम एकटा इंडियन एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड के स्थापना केने छथि, जकर ई अध्यक्ष छथि, फाउंडर अध्यक्ष छथि। आओ हिनका सँ बात करी और कतर में बिहारी और मतलब झारखंडवासी सब के की दशा और दिशा छन ओहि पर हिनका सँ किछु जानी। ककवी साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जो कतर में जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनके लिए आपने जो एसोसिएशन बनाई है वो बेसिकली काम क्या करती है और इन लोगों की दशा और दिशा क्या है? झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका जो आपने मुझे आमंत्रित किया। शुरू करने से पहले हम ये बात बता दें कि जब हम बिहार से छोड़कर बाहर जाते हैं तो एक बात हमेशा जो दिमाग में आती है वो ये कि ऐ दरिया नकर पुल मिसमार मेरे, ऐ दरिया नकर पुल मिसमार मेरे, अभी कुछ लोग रह गए हैं इस पार मेरे। ये सोचकर जब हम वहाँ जाते हैं, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो बिहार से चले गए, अपने मिट्टी से चले गए, अपने देश से चले गए, तो वो सोने के खान में जाकर बैठ गए होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समस्याएँ अनेक होती हैं। और जो बिहार एंड झारखंड एसोसिएशन की जो स्थापना की गई और जिसको हम लोगों ने शुरू किया, उसके पीछे ये कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाना, आकस्मिक मृत्यु जिसको कहते हैं, किसी की तनख्वाह का रुक जाना, स्पॉन्सर के साथ कुछ समस्या के हो जाना, अचानक उसका बीमार पड़ जाना और अनेक अनेक ऐसी समस्याएँ आती हैं जिसको वो कभी सपने में भी नहीं सोच पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोज़ाना की रोज़ी और रोटी भी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ समस्याएं हमारे तरफ से होती हैं जिसका हम जिसको बताना चाहेंगे, जिसको हम अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, यानी जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आप उचित नहीं हैं, या जिस काम के लिए ले गए वहाँ पे वो काम आपसे नहीं कराया गया। इन दोनों समस्याओं में एक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं लोग, और ऐसी समस्याओं का निदान के लिए वहाँ पे हर आदमी अपने अपने आप में डूबा होता है। उस पर फिर हम लोगों ने भारतीय राजदूतावास से संपर्क स्थापित किया और ऐसी समस्याओं को हम लोग भारतीय राजदूतावास के संपर्क में लाते हैं, और लाने के बाद उनके लिए जो कुछ भी अपने तौर पे व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं और कुछ जो हेल्प हम उनको बिहार सरकार के द्वारा दिला सकते हैं, इसमें हम लोग अपना पूरा योगदान देते हैं। जैसे पिछले दिनों में हमने जब नीतीश जी की सरकार आई थी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर जो हमने लिखा था तमाम प्रवासी बिहारियों के ओर से, यानी जिसको हम NRB कहते हैं, अपने एक नया टर्म जो इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने, नॉर्मली NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, बट हम लोग उन्हें NRB कहते हैं, नॉन रेसिडेंट बिहारी, कि उनके लिए एक ऐसी मंत्रालय की स्थापना की जाए जैसा कि भारत सरकार में है, कि उनकी जो समस्याएँ हैं, अनेक समस्याएँ, उनको सीधा वो मंत्रालय डील करे। बाद में इस समस्या पे नीतीश जी के ओर से ध्यान दिया गया और बिहार फाउंडेशन की स्थापना की गई, तो अब ये इतनी राहत है कि अगर बिहार के रहने वाले प्रवासी के ऊपर अगर कुछ होता है तो बिहार फाउंडेशन के द्वारा हम लोग उसके निदान का प्रयास करते हैं। वर्तमान बिहार सरकार एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आई है और वो इस सरकार से बहुत उम्मीद है लोगों को। आप NRB, एक बहुत ही बढ़िया वर्ड दिया आपने, NRB नॉन रेसिडेंशियल बिहारी, ये पूरे विश्व में जितने भी NRB हैं क्या वो बिहार में निवेश करने का मन बना रहे हैं? प्रश्न बहुत जटिल और बहुत अच्छा भी है। कौन ये नहीं चाहेगा कि जिस मिट्टी ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया उस मिट्टी का वो हक ना अदा करे, कौन ये नहीं चाहेगा कि उसकी माँ आराम और सुख से ना रहे। इस दर्द के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हर NRB, अगर वो NRB है, सही में वो बिहार का पूत है और बिहार की पावन हवाओं ने उसे पाला है और बिहार के बादलों के झोंके ने उसे सींचा है, तो उसके दिल में ये बात ज़रूर रहती है। उसका उदाहरण के लिए पिछले दिनों अजय जी हमारे एक मित्र हैं जो बिहार टाइम्स से संपर्क रखते हैं, उन्होंने बिहार कन्क्लेव कराया था, तो हमने अपना प्रस्ताव रखा नहीं बल्कि उस पर हमने अमल किया कि हर एक NRB जो बिहार से बाहर है और अच्छी दशा में है, उसको चाहिए कि जिस मिट्टी से वो जन्मा है,
जहाँ का वो वासी है अपने गांव को अगर अडॉप्ट कर लेता है तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा निवेश होगा बिहार में। इसी के लिए हमने अपनी शुरुआत अपने गांव काको जहानाबाद ज़िला से किया, जहां मैंने एक स्कूल की स्थापना की है, कायनात इंटरनेशनल स्कूल। 10 साल के अंतक प्रयास के बाद आज वो CBSE का पहला ग्रामीण विद्यालय है जो जहानाबाद ज़िला से में CBSE के एफिलेशन के साथ है। तो हम समझते हैं कि ये बिहारियों का हक़ है और बिहारियों का फ़र्ज़ है, अवश्य वो निवेश करना चाहेंगे। उसमें एक जो समस्या आ रही थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, सिक्योरिटी की समस्या थी, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं चाहे वो किसी के दुनिया किसी कोने में हो, उनका अपना एक रिटर्न का एक मन बना हुआ होता है। तो उसमें कुछ जो रोल इन्वेस्टर्स का होता है और कुछ वो रोल जो सरकार का होता है, हम समझते हैं कि मौजूदा सरकार की ओर से जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उसमें हर बिहारी और दूसरे लोग भी चाहेंगे कि बिहार के उत्थान के लिए अपना निवेश करें। ककवी साहब, आप 11वें इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भारत आए हैं और अभी मतलब प्रख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने अपने संबोधन में बिहार का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मोबाइल साइंस लैब के बारे में जो जिक्र किया है, क्या लगता है जो आज बिहार एक मतलब जो गरीबी की मार झेल रही थी, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से परेशान बिहार थी, उसकी चर्चा दिल्ली में और विश्व के हर कोने में हो रही है। प्रख्यात वैज्ञानिक भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कुछ टिप्स दे रहे हैं। बिहार सरकार को उन्होंने बहुत बड़ा एक टिप्स भी दिया था जिस पर नीतीश ने बहुत काम किया और बहुत करना बाकी है। तो अब्दुल कलाम साहब के मुँह से बिहार के बारे में सुनना आपको कैसा लगा? देखिए, बिहार एक वो राज्य है जो पूरे देश में बाहर ला सकता है, और समस्या ये नहीं कि बिहार के बारे में चर्चा हुई, बल्कि समस्या ये थी कि बिहार में जो समस्याएं हैं उसके समाधान की चर्चा हुई। हम समझते हैं कि अब्दुल कलाम साहब का जो ये रुझान बिहार की तरफ है वो एक बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा संदेश है हम बिहारियों के लिए कि हमारे लिए दूसरे लोग और इतने उच्च कोटि के, इतने उच्च स्तर के वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए, जिस रूप में भी, जिस स्तर पे, जिस जगह पे भी हम हैं, कि बिहार के उत्थान के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हम करें। कलाम साहब मिथिला यूनिवर्सिटी में, दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था जो बिहार में आयुर्वेदिक खेती की संभावना बहुत ज़्यादा है, यदि लोग आयुर्वेदिक खेती करें और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे तो एक नकदी फसल और पैसे की आमदनी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्या जहानाबाद में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने गांव में, काको गांव में, इस सब तरह की किसी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ करना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमने अभी जब मैं जापान में था कुछ दिनों, तो हमें एक बात बार बार ये उकसाती थी कि ऐसा क्या हुआ कि जापान इतना टूटने फूटने के बाद भी, जबकि एटम बम का मार झेलने के बाद भी, आज ऐसा है कि जापानी प्रोडक्ट हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने जापान के बहुत सारे विलेजेस को विज़िट किया, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा बिहार रचा बसा रहता है, बिहार इज़ माई ड्रीम। तो उसमें वहाँ हमने एक चीज़ सीखी कि OVOP का जब हमने डिटेल्स मांगा उनसे, तो उन्होंने बताया कि वन विलेज वन प्रोडक्ट, एक विलेज का एक प्रोडक्ट। जो भी उसमें एक्सपर्ट है वो विलेज के लोग, चाहे वो टोकरी बनाने में हो, चटाई बनाने में हो, किसी फसल को उगाने में हो, बैगन उगाने में हो, लेकिन उस गांव को उस रूप से विकसित किया जाए कि उनका एक प्रोजेक्ट, उसका यानी उसके बाद फिर मार्केटिंग की बात की जाए। तो हमारे दिमाग में ये है कि जहानाबाद ज़िला यानी जिस जिस नामों से जाना जाता रहा है पिछले दिनों में, बेसिकली अपराध के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, जो आज के डेट में कम से कम नहीं है। हाँ, वो तो सच्चाई है, लेकिन उसमें जो चेंजेस आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव चेंज के लिए जहानाबाद ज़िला का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे, चूँकि हमारे कोई इंडस्ट्री नहीं है, देयर इज़ नो इंडस्ट्री एट ऑल, तो चाहे इंडस्ट्री के रूप में हो, तो उसमें हम ज़रूर प्रयास करना चाहेंगे कि उसमें किसी एक फील्ड में जहानाबाद अपना एक ऐसा स्थान बना ले जो विश्व के स्तर पर किसी जिस नाम से जाना जा रहा है उससे हटा करके प्रगति के नाम पे जाना जाए, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ककवी साहब, एक आम धारणा होती है जो लोग जब तरक्की करते हैं तो अपने मतलब भूत को भी, पास्ट को भूल जाते हैं। आप बिहार से हैं, आप जहानाबाद से हैं, क्या आपकी अपनी जो मातृभाषा है, बिहार की जो भाषा है, उस भाषा को आप कतर में यूज करते हैं? हम यहाँ तक करते हैं कि बिहार दिवस मनाते हैं, और बिहार दिवस में चूँकि हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो मघी बोली जाती है, फिर भी मघी के अलावा भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो कि
पूरे विश्व में जानी जाती है। तो आम तौर पे जब हम अपना प्रोग्राम का संचालन करते हैं तो गो के बहुत से लोग जो कि हमारे केरला से हैं उनको ये बात हिंदी भी पूरी समझ में आती है जो कि नेशनल लैंग्वेज है, तो वहाँ पे भी हम प्रमोशन करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना होता है, कोई हमारा साथी होता है उसका नाम हम बुधन रखते हैं, तो हम ये भी कहते हैं आवा बुधन चला तनी घूमिया में पटना। तो यानी इस तरह से चूँकि वो मातृभाषा है, वो भाषा होती है जो पहली मरतबा आदमी सुनता है अपनी माँ से, तो उसको कैसे भूल सकते हैं। उसके प्रमोशन के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि जब हमने पहली मरतबा अपनी कॉन्फ्रेंस में एपीजे अब्दुल कलाम को सुनने के बाद व्हेन आई हैड ए टी ब्रेक, तो जब हमने पढ़ा मिथिला तो ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया, और इस दर्द ने मुझे खींच लाया आपके स्टूडियो में जो हम आपके साथ हैं। ककवी साहब, बिहार बहुत बदला है और बहुत बदलने की संभावना गुंजाइश अभी बाकी है। यदि आपसे 3 सुझाव मांगे जाए जिसमें आप बदलाव बहुत जल्द चाहते हैं, तो वो कौन सा आइडिया होगा? पहला तो शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। उसको दो लाइन में हम बताना चाहेंगे कि जिनके पास शिक्षा है वो ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, जिनके पास अच्छे स्कूल हैं वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, और जिनके पास शिक्षा नहीं है वो अशिक्षित ही रह रहे हैं और वो नीचे की दशा और ख़राब हो रही है। तो एजुकेशन फॉर ऑल, उसके जो स्टेप्स हैं वी हैव प्लान ऑलरेडी, एंड हम बहुत जल्दी ही प्रयास कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से हम बिहार सरकार को पूरे प्रोजेक्ट के रूप में दें। दूसरा है स्वास्थ्य, जो ग्रामीण स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको थोड़ा कुछ और इफेक्टिव बनाया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा है कि युवा का जो प्लान है हमारे यहाँ से उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इसलिए कि जब मैं पटना से एक ट्रेन से किसी लंबे दूरी के सफ़र में था, वो केरला के रूट पे, तो पता नहीं हमारा दिल चाहता है जब भी मैं बिहार जाता हूँ तो हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, चूँकि बिहार के लिए दिल हमारा धड़कता है। तो हमने जब देखा कि आगे की दो बोगियाँ ठसाठस भरी हुई थी और ऐसे नौजवान, ऐसे गठीले नौजवान के देख कर उनके जवानी पे भी रश्क आ रहा था मुझे, हमने पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि रोटी कमाने जा रहा हूँ। तो दिल मेरा बहुत भर आया कि क्या बिहार की मिट्टी में इतना भी दम नहीं है कि अपने सपूतों को रोटी पहुंचा सके। तो अगर ये दर्द है हमारा कि अगर हम प्लान को रोक सकें, और जो अगर वो घी और रोटी के लिए जा रहे हैं तो हम अगर उन्हें सूखी रोटी उनके घर पे हम दे सकते होंगे तो ये बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए हमारा अंतिम रक्त का बूंद भी गिरवी रख करके हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये हमारी सिर्फ बातें नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। ककवी साहब, आपके ये 3 सुझाव मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जो बिहार सरकार की कानों में जाए, उनकी निगाहों में आए। और आपने अपना कीमती समय सौभाग्य मिथिला को दिया, अपनी मतलब बहुमूल्य बातें यहाँ रखी, इसके लिए सौभाग्य मिथिला की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है जो आप इसी तरह कतर में बिहार के लिए, झारखंड के लिए और इतना ही नहीं पूरे भारत के लिए कुछ करते रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया और हमारी बातों को आपने इतना सीरियस लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सौजन्य से ये बातें तमाम बिहारियों तक पहुंचेगी और मुख्यमंत्री तक तो ज़रूर पहुंचेगी। धन्यवाद।